हर साल की तरह इस साल भी राखी के पर्व पर हमीरपुर बाजार के सारी मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। राखी का पावन अवसर इस बार 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक होगा। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उन्हें तरह तरह की मिठाइयां भी खिलाती हैं। मिठाई की दुकानों में अनेकों प्रकार की मिठाइयां देखने को मिल रही है। बाजारों में मिठाई के दुकानदारों ने मिठाई बेचने के लिए दुकान के बाहर स्पेशल स्टॉल भी लगाए हैं। हर साल की तरह इस बार भी राखी के पर्व पर हमीरपुर बाजार की सारी मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। राखी का पावन अवसर इस बार 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक होगा। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उन्हें तरह तरह की मिठाइयां भी खिलाती हैं। मिठाई की दुकानों में अनेकों प्रकार की मिठाइयां देखने को मिल रही है। बाजारों में मिठाई के दुकानदारों की ओर से मिठाई बेचने के लिए दुकान के बाहर स्पेशल स्टॉल भी लगाए गए हैं। सूरत स्वीट्स दुकानदार के एमडी का कहना है कि इस पर राखी के पर्व पर कई तरह की मिठाइयां बनाई गई हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी स्पेशल स्टॉल बस स्टैंड के नजदीक लगाए गए हैं, ताकि सभी बहनों को मिठाई आसानी से मिल सके। उन्होंने बताया कि लगभग 200 के करीब मिठाई की आइटम्स राखी के पर्व पर बनाई जाती है और सारी फ्रेश मिठाइयां बनाई जाती है, ताकि किसी को भी मिठाई खरीदते समय दिक्कत न आए। उन्होंने राखी के पर्व और स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। स्पेशली मिठाइयाँ होती हैं, ताज़ी मिठाइयाँ बना रही हैं, डे एंड नाइट लगा के जितना रिक्वायरमेंट है। ये हर साल की तरह स्पेशल स्टॉल हमने ये बस स्टैंड के सामने लगाया है और सब भाई बहनों के लिए, मतलब कि क्राउड को कवर करने के लिए हमने स्टॉल लगाते हैं, और जो कि सबको आराम से मिठाई मिल पाए। सर, जैसे कि आप कोई भी फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल में अच्छी सी अच्छी, मतलब अपने जो कस्टमर हैं उनको अच्छी सी अच्छी स्वीट्स उपलब्ध करवाते हैं, इस बार क्या खास है आपने? इसमें तो यही है बेटा कि सबसे अहम बात तो ये है कि हमने बिल्कुल फ्रेश मिठाइयाँ देनी है। मिठाई का मतलब ही फ्रेश मिठाई होता है। अगर दो चार दिन पुरानी हो तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो टोटल जितनी हम मिठाइयाँ बनाते हैं, अब मिठाइयों की गिनती तो मैं आपको गिना नहीं सकता, मतलब 150-200 के करीब हम लोग आइटम बनाते हैं। जैसे जैसे बनती जा रही है वैसे वैसे सब आती जा रही है, और आज पूरा सुबह 4 बजे के लगे हैं, नाइट लगेगी, कल नाइट लगेगी, क्योंकि परसों तक जितना हो पाएगा हमारे पास। पहले तो रक्षाबंधन वाले दिन 10-11 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इस बार देखते हैं। अभी मौसम भी आज ठीक है, माहौल भी ठीक है, और 15 अगस्त भी है, और पूरे देश और प्रदेशवासियों की मेरी तरफ से रक्षाबंधन और 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, शॉर्ट से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।